शर्मा स्टार सिस्टर्स। तो गाइस, मैं हूं अनुष्का और गाइस आज मैं आप लोगों के लिए बताने वाली हूं कि घर पर ही क्ले कैसे बनाएं। हाँ गाइस, आपने सही सुना, होममेड क्ले। गाइस ये क्ले बनाना बहुत इजी और सिंपल रहता है, आप इसे इजी अपने घर पे बना सकते हैं। और गाइस आपने हमारे चैनल में बहुत सारे स्लाइम वीडियोस देखे होंगे, तो मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए। गाइस बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस क्ले बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा 1 कप, सॉल्ट 2 स्पून, कोकोनट ऑयल 2 स्पून। गाइस आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल ली। एंड हॉट वाटर एंड कलर। गाइस मैं यहाँ पर वाटर कलर यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो फूड कलर भी ले सकते हैं, क्योंकि गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ रेनबो कलर का क्ले, इसलिए मैं यहाँ पर वाटर कलर यूज कर रही हूँ। तो गाइस यही इंग्रेडिएंट्स बस हमें चाहिए, तो चलिए जल्दी से क्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हमारा मैदा जो हमने 1 कप लिया था, उसे डालना है हमें सबसे पहले। गाइस मैंने मैदा डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट ऑयल या कुकिंग ऑयल जो हमने 2 स्पून लिया था वो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस हमारा मैदा और कोकोनट ऑयल बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हमें इसमें डालना होगा सॉल्ट। तो गाइस हमें सॉल्ट को डायरेक्ट नहीं डालना है। तो गाइस अगर हम सॉल्ट को डायरेक्ट डाल देंगे ना, तो हमारा क्ले सॉफ्ट नहीं रहेगा, उसमें दाने आ जाएंगे और वो अच्छा नहीं लगेगा क्ले में। तो अब हम देखते हैं कि इसे कैसे डालना है। तो सॉल्ट में हम ऐड करेंगे हमारा हॉट वाटर। तो गाइस हॉट वाटर, आपको हॉट वाटर ही लेना है। अगर आप कोल्ड वाटर लेंगे तो आपका सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए हमें हॉट वाटर लेना है। तो गाइस मैंने वाटर डाल दिया है, अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये डिसॉल्व नहीं हो जाता। तो गाइस हमारा वाटर और सॉल्ट बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और गाइस हमने इसीलिए हॉट वाटर लिया था ताकि हमारा सॉल्ट जो है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। और अगर आप नॉर्मल वाटर लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हमारा सॉल्ट डिसॉल्व भी नहीं होगा अच्छे से, तो हमने इसीलिए हॉट वाटर लिया था। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो मैदा है उसमें हम इस सॉल्ट वाटर को डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और अब हम इसे इसका डो बनाएंगे। तो गाइस अब हम इसमें और वाटर ऐड करेंगे। गाइस आप अपने हिसाब से इसका इसमें वाटर ऐड करिए और इसका अच्छे से डो बनाइए। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस हमारा डो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारी जो रोटियां हैं ना वो बहुत नरम बने, बहुत अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट बने। नहीं गाइस मजाक कर रही हूँ, इसलिए तो हमें क्ले बनाना है, रोटियां नहीं बनाना है। इससे पहले मम्मी इसकी रोटियां बनाते हैं, इससे अच्छा मैं जल्दी से इसमें कलर मिक्स कर देती हूँ। गाइस अब मैं यहाँ पर रेनबो कलर बना रही हूँ, तो मैं इसे 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ पहले। आप गाइस आपको जितना सारा क्ले बनाना है आप उतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 7 पार्ट्स में करूँगी। और देखिए गाइस इसमें बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इसमें बिल्कुल भी दाने दाने नहीं है, बहुत सॉफ्ट है देखिए। तो गाइस मैंने अपने डो को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम इसमें कलर मिलाएंगे। तो सबसे पहले मैं मिलाऊंगी यहाँ पर पर्पल कलर जो मेरा फेवरेट है। तो गाइस हमारा पर्पल कलर भी बहुत सुंदर दिख रहा है, देखिए।
तो गाइस मेरे सारे कलर्स रेडी है। देखिए गाइस कितना सुंदर दिख रहा है ये। और मैंने यहाँ पर वाइट कलर भी थोड़ा सा रेडी कर लिया था, इससे मैं इसे क्लाउड बनाऊंगी, तो ये भी मैंने रेडी कर लिया। गाइस देखिए हमारे क्ले से कितना अच्छा डिजाइन तैयार हो गया है। तो गाइस देखिए कितना प्यारा रेनबो है और हमारा कितना क्यूट सा कैटरपिलर है। गाइस ये बहुत क्यूट लगा मुझे, हमने बहुत सुंदर सुंदर से फ्लावर्स बनाए हैं और ये बटरफ्लाई। तो ऐसे बहुत इजी बना, बहुत सॉफ्ट है क्ले तो ये इजी बन जाता है। तो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो और क्ले पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्लीज गाइस प्लीज लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जब भी हम ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाएं तो आप उसे सबसे पहले देख पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।